हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुप्रीम कोर्ट हिंट करती है कि शायद यूट्यूब भी बैन हो जाए। तो फर्स्ट पबजी, देन सम अदर सोशल मीडिया ऐप, आई थिंक बीगो और टिकटॉक, उसको भी वार्निंग गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, मतलब हिंट देती है कि शायद यूट्यूब भी बैन हो जाए, जैसे पहले हुआ था 3 ईयर्स के लिए। हाँ, तो एज ए यूट्यूबर 3 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, सिंस 2017 और मे बी 2016 लेट दिसंबर में, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो आई डोंट नो, एज यू सी, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है यूट्यूब से। बहुत लोग जैसे स्टूडेंट्स हो गए, लाइक कुकिंग फॉर एग्जांपल, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ़ जो जो कि पहले भी यूट्यूब नहीं था। तो हमारी जनरेशन काफ़ी बिहाइंड रह गई थी इन सब चीज़ों में। और जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग होते हैं उनको जॉब और समझ नहीं आती, तो वो यूट्यूब पे चैनल्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग मी। 2017 में मैंने शुरू किया था। आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने सब कुछ खुद से सीखा है, आई मीन लाइक यूट्यूब पे ही कुछ सर्च किया है कि हाउ टू डू और ये सारा। तो कितने लोगों को फ़ायदा होता है इससे भी, कि उनको हाउ टू वीडियोस मिलती है, DIY वीडियोस मिलती है। लाइक देर आर नेगेटिव्स टू के एक्सप्लिसिट कंटेंट या ओवर एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइंस यूट्यूब की है। तो आई डोंट थिंक के डायरेक्टली बैन कर देना चाहिए इनको। इनको चाहिए कि यूट्यूब से पहले तो फर्स्ट इनको कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। हर दफ़ा यही होता है कि दे डू नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन, अपनी जजमेंट पे आते हैं और बैन कर देते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ सोल्यूशन। तो फर्स्ट, क्योंकि अगर मेरे साथ भी कोई, मैं अपना यूट्यूब पर चैनल चलाता हूँ, अगर मेरे साथ भी कोई इशू होता है तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यूट्यूब को कॉन्टैक्ट करता हूँ। डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल का ज़माना आ गया है। यू कैन जस्ट मेल देम एंड दे विल रिप्लाई यू, और मे बी गिव यू अ टोल फ्री नंबर और समथिंग, एंड देन यू कैन गो थ्रू ओवर इट। तो यूट्यूबर्स यूट्यूब पर काम करके जो डॉलर्स कंट्री में आ रहे हैं, वही आप अपना कंट्री का खुद ही नुकसान कर रहे हो। पहले भी ये देखें, यहाँ पे पोस्ट में लिखा हुआ है कि पहले भी प्रीवियस डेकेड में भी बैन हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट भी बैन हुई थी। और 3 साल के बैन में पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी डिजिटल कंटेंट में, डिजिटल मीडिया में, वो बहुत लो हो गई थी। मतलब लोगों को तो पता भी नहीं होता कि यूट्यूब है क्या। और जब मैंने भी सोचा कि लेट्स ट्राई यूट्यूब, क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाते हो उस पर भी कुछ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, एंड मेनली बिकॉज आई लव प्लेइंग गेम्स। सी ऑल दीज यूट्यूबर्स, दे आर रियली डिसअपॉइंटेड के पबजी बैन हो रही है। पबजी नहीं, पबजी से गेट ओवर नहीं कर पाया, मैंने भी बहुत खेली है। यूट्यूब बैन, क्या अकवाब टूट गए? जाहिर बात है कि जैसे ओसामा भाई ने कहा अकवाब टूट गए, और इनकी वीडियो मैंने देखी, तो इसमें पॉइंट आउट कर रहे थे कि लोग पहले हमें मजाक में लेते थे कि यूट्यूब पे कोई काम थोड़ी कर सकता है, यूट्यूब पे पैसे थोड़ी कमा सकते हो आप, या यूट्यूब पे थोड़ी कुछ होता है, यूट्यूब कोई जॉब काम थोड़ी है। लेकिन जब सब ने प्रूफ किया कि भाई देखो, लाइक वी आर डूइंग इट, वी आर लिविंग द ड्रीम, हम अपना काम कर रहे हैं, तो फिर लोग इस तरफ आना शुरू हुए। और उन्होंने भी देखा कि भाई काम कर सकते हैं हम लोग। लाइक रिसेंटली हियर इट इज़ रिजवान, साथ में पढ़ते थे सीरियस, ही हैज़ ऑलमोस्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स नाउ, एंड ही स्टार्टेड अ फ्यू मंथ्स अगो आई थिंक। सो एज यू कैन सी, अप्रैल अप्रैल 20th 2020, ही हैज़ सम यूट्यूब बैकग्राउंड, सो ही कैन पुल दिस थ्रू। लेकिन ये तो यही बात हो गई ना कि आप डिजिटल रेवोल्यूशन को हटाना चाहते हो अपने कंट्री से, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। लाइक जब पहले बैन हुआ था तो आई थिंक समवन सेड कि अगर लाइब्रेरी में कुछ अच्छी किताबें हैं और कुछ बुरी किताब हो, तो बुरी किताबों की वजह से आप सारी किताबें जला दोगे। दैट्स नॉट द इशू। मेरे हिसाब से तो इनको पहले यूट्यूब को कांटेक्ट करना चाहिए। लाइक आप बताओ ना, आप अपना इशू बताओ, थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश तो करो। यही बात होती है हमारी कंट्री में कि कुछ कोशिश वगैरह कुछ होती नहीं है। और अपनी, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नतीजे पे ना आना चाहिए जिसमें आप देख रहे हो कि कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। और वैसे ही COVID-19 चल रहा है, मतलब आधा पाकिस्तान तो यूट्यूब पे ही चल रहा होगा, जो घर पे बैठे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं है तो यूट्यूब ही खोल के बैठते हैं।
लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना एफर्ट मैंने पुट किया होगा, 1900 वीडियोज़, दिस इज़ अ स्मॉल चैनल, तो लाइक 726 वीडियोज़, ओवर 200 मिलियन व्यूज़, लाइक सो इतनी मेहनत की है, लाइक वीडियोज़ वगैरह बनाई है, और तब भी बहुत मेहनत की थी, अब तो वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि यूट्यूब को बैन कर दो डायरेक्टली। लाइक सी दिस, इसने अभी अप्रैल में रिजवान ने स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब, और अभी तो कितना अप्रैल मई जून एंड दिस इज़ जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई, राइट? सो अभी उसने तीन महीने में इतना काम किया है और वो 1000 सब्सक्राइबर्स पे आ गया है, एंड ही इज़ पुलिंग, जस्ट लुक एट हिज कॉन्टेंट, ही इज़ ट्राइंग सो हार्ड, राइट? तो जो नए नए यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया था और वो सोच रहे थे कि भाई हम अर्न करेंगे, हम अपना चैनल बनाएंगे, थोड़ी सोशल रिकग्निशन मिलेगी, ये जो भी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन आप ऐसे बैन तो फिर तो अगर बैन करना चाहिए और ऐसे बोल रहे हो कि मॉडल और क्या था ये रहा, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, तो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपके अगेंस्ट, अगर कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है या किसी के अगेंस्ट भी जा रहा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर सोशल मीडिया पे होती है, कुछ कोई भी कुछ भी कह के निकल जाएगा, आप उसको पकड़ो ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि कुछ भी पोस्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसी को बोल दो कि पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही उड़ा दो कंट्री से, दूसरे कंट्री सर्वाइव कर रहे हैं, यहीं पे कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि दूसरे कंट्री भी चल रहे हैं, कि मैनी कंट्रीज़ में बंद हुई हुई है यूट्यूब, तो हम भी बंद कर सकते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो यूट्यूब, हाउ मैनी कंट्रीज हैज बैंड यूट्यूब्स, यूट्यूब चाइना ईरान, ओनली 4 कंट्रीज, लाइक 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बंद किया हुआ यूट्यूब को, और ये कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने यूट्यूब को बंद किया, ओनली 4 कंट्रीज़, लाइक दुनिया में पता नहीं कितने कंट्रीज़ हैं, हाउ मेनी कंट्रीज़। फिर कहेंगे कि भाई गूगल को भी बैन कर दो, ओनली 4 कंट्रीज़, और उसमें 191 कंट्रीज़ एग्रीड है कि भाई यूट्यूब चलना चाहिए। अब इससे फ़ायदा कितना होता है, DIY वीडियोस होती हैं, कुकिंग वीडियोस होती है, हाउ टू वीडियोस होती हैं, लोग स्किल सीखते हैं यहाँ पे, जैसे गर्ल्स के लिए हो गया क्राफ्टिंग एंड आर्ट्स, वो ऑनलाइन सीख सकते हैं, दूसरी वेबसाइट्स है, यूडेमी हो गया, बट दे आर पेड वेबसाइट, यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, तो लोग अच्छा खासा कुछ सीख सकते हैं। सो आई डोंट थिंक व्हाट द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग एट दिस पॉइंट, इनको चाहिए कि वापस से दोबारा ये गलती ना करें, यूट्यूब के साथ मसला रिजॉल्व करें, जो भी मसला है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है या इनडिसेंट कंटेंट है, जो भी है, इनको चाहिए कि यूट्यूब को कांटेक्ट करें, इतना मुश्किल भी नहीं है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम होता है, कुछ होता है उस पर जाके, या यूट्यूब गूगल को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इतनी गवर्नमेंट है, इतनी स्पेशलाइज अथॉरिटीज़ हैं, इनके पास सब कुछ है, तो कर सकते हैं ना, लेकिन डायरेक्ट फैसला तो मत लो ऐसे, या डायरेक्ट हिंट तो मत करो कि बैन हो जाएगी, बेचारे जो अभी भी स्टार्ट किया है उन्होंने सोचा है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, प्लान्स बनाए हैं, और जिनके मतलब 1 मिलियंस पे चल रहे हैं, चलो मेरा तो चैनल इतना बड़ा नहीं है जितना दूसरे लोगों का है, खुजली फैमिली, आई थिंक डक्की भाई एंड अदर यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडी करते हैं, एक टिकी बाकी भाई तो यूरोस करते हैं, कॉमेडी यूट्यूबर्स हैं, आई डोंट रिमेंबर एनी नेम्स, रहीम परदेसी, तो यू आर जस्ट ब्लॉकिंग ऑल द रेवेन्यू, यू जस्ट सेइंग दैट कि भाई हम तो, हमें जो करना है हम वो करेंगे, हमें आपसे कुछ करना नहीं है, बात बात नहीं करनी, लाइक क्लोज एवरीथिंग डाउन, सब बंद कर दो फिर तो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट है तो फिर वो ट्विटर पर भी आपको मिलेगा, फिर वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, फिर वो आपको एंड अदर सोशल मीडिया सब पे मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, अगर आप ढूंढोगे तो
तो इस्तेमाल करने वाले पे होता है कि उसकी इंटेंट क्या है, कि वो किस लिहाज से इस्तेमाल करना चाहता है। अब कोई स्टूडेंट होगा तो वो यहाँ पे बैठ के पूरा दिन बैठा रहे यूट्यूब पे और सीखता रहे। किसी को कुछ बनाना सीखना होगा, हाउ टूज DIYs, वो भी आराम से सीख सकता है। तो ये तो बस वीडियो कंजम्पशन साइट नहीं हुई ना, ये तो एक लर्निंग साइट भी हुई। बट फर्दर अपडेट्स का वेट करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ आती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।